उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये होटल एक विधायक के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। पुलिस ने यहां से 9 लड़कियों समेत 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसपी अभिषेक वर्मा को सूचना मिली कि डोहरा रोड पर एक विधायक के भाई के होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद एसपी बारादरी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और कथित होटल में छापा मारा। होटल विधायक के एक रिश्तेदार का बताया जा रहा है। एसपी ने यहां से 9 लड़कियों के साथ 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि ये सभी लड़कियां दिल्ली और पश्चिम बंगाल से बुलाई गई थीं। पकड़ी गई सभी लड़कियों को पुलिस महिला थाने ले गई है। सभी के खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। बारादरी थाना क्षेत्र में जो एक गेस्ट हाउस पड़ता है उसका नाम वेदा करके है, वहाँ पे कई दिनों से हमें ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ गलत कार्य होते हैं। आज उपर की सूचना पर हमने वहाँ पे रेड दी और रेड में कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के वहाँ पकड़े गए हैं और लड़कियों और लड़कों से पूछताछ में पता चला कि वहाँ पर सेक्स रैकेट का एक धंधा चलता था। 8 से 9 लड़कियाँ हैं और 3-4 लड़के हैं जो हमने गिरफ्तार करे हैं। अभी पूछताछ जारी है और आगे की तफ्तीश में जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में अभी जानकारी करी जा रही है कि होटल के ओनर कौन है और जो भी इसमें शामिल होंगे इस कृत्य में उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।